अयोध्या विधानसभा के साथ उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की बहुमत के साथ जीत हासिल की जाने को लेकर पूरी अयोध्या में उत्सव के रूप में मनाया गया। हर तरफ एक ही गाने सुनाई दे रहे थे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ अयोध्या के मठ मंदिर में भी इस ऐतिहासिक जीत का जश्न रहा और अयोध्या राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि अयोध्या में पिछले 5 वर्षों में योगी जी की सरकार को लेकर विकास के कार्य हुए हैं और अयोध्या में दिवाली को दीपोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। दिवाली में त्रेतायु की छवि नजर आती है और शुभकामना देते हुए सत्येंद्र दास ने कहा कि जिस तरह से पिछले 5 वर्षों में प्रदेश सरकार ने कार्य किया है, जो विकास के कार्य रुके हैं वे कार्य पूरे किए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की जीत ऐतिहासिक जीत है, सभी साधु संतों ने इसका स्वागत किया और शुभकामनाएं भी दी। वही दिलीप दास ने कहा कि योगी जी ने दोबारा सरकार बनाई हम सबके लिए सौभाग्य की बात है और जिस तरह से बहुमत हासिल किया है जनता ने उनके कार्यों को सराहा है और अपना पूरा योगदान दिया है। हम अयोध्या के साधु संत योगी जी से अयोध्या के विकास कार्यों की कामना करते हैं और जिस तरह से जीत हासिल की है वह अपने में प्रशंसनीय है। हम सभी साधु संत होली गुलाल व पटाखों के साथ जीत का जश्न मना रहे हैं। और वहीं दिलीप दास ने कहा कि जिस तरह से सपा ने अयोध्या में 2 सीटें निकाली है, प्रदेश सरकार को इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि पिछली बार अयोध्या में 5 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक मौजूद थे। इस बार सपा ने 2 सीट पर सेंध लगाने का काम किया है। वो भगवान श्री राम लला की कृपा से हुआ, मंदिर भी बनना शुरू हुआ है और यहाँ का जो विकास है अयोध्या का वो सब अभी प्रारंभ हुआ है, इसको भी करना है। तो ये सारे कार्य की जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है, इसलिए दोबारा मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ जी का आना अति आवश्यक रहा और वो आ गए हैं। ये संतों का आशीर्वाद और भगवान श्री रामलला का कृपा, जिसके कारण से वो पुनः सत्तारूढ़ हो गए हैं। और जनादेश जो भी होता है वो सबको स्वीकार करना चाहिए। हम भगवान राम की धरती पर रहते हैं, भगवान राम राज्याभिषेक से प्रसन्न नहीं होते और वनवास से दुखी नहीं होते, सदैव रहते हैं। जिसको साधारण भाषा में कह लिया जाए, भगवान राम सदाबहार हैं। हम उनके नगरी में रहते हैं, हमको ऐसे जीवन जीना चाहिए। जीत का अभिमान नहीं होना चाहिए और हार का अपमान नहीं महसूस होना चाहिए। ये राजनीति है, राजनीति यही कहती है। अब जितने भी जीते हैं लोग, उनको सबको बधाई है, चाहे भाजपा के हों चाहे सपा के हों, सभी लोग मिल करके विधानसभा में एकजुट होकर के और स्थिर सरकार चलाएं और समाज का विकास करें जिसमें जन कल्याण